दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय लवकेश कटारिया को मुनव्वर फारूकी ने बुरी तरीके से रोस्ट कर दिया है और घर वालों के सामने एक तरीके से लवकेश कटारिया को फट्टू कह दिया है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर मुनव्वर फारूकी तीसरे राउंड में लवकेश कटारिया को अपने पास में बात करने के लिए बुलाते हैं और इस दौरान उन्होंने लवकेश को कहा कि एक चीज बता, तूने उससे गाली सुन ली, वो तेरे को मारने आया तो तू ऐसे चुपचाप क्यों बैठा रहा, तू उस पर चढ़ा क्यों नहीं वापस। जिसके बाद में दोस्तों लवकेश ने यहाँ पर बोला कि देखो मेरा शरीर देखो, उसका शरीर देखो, ठीक है, वो इतना लंबा चौड़ा, ठीक है, मैं उस पर कैसे चढ़ता। जिसके बाद में यहाँ पर मुनव्वर फारूकी कहता है इसका मतलब तू डर गया, तेरे में गुदा नहीं है लड़ने का, ठीक है। जिसके बाद लवकेश कटारिया कहते हैं कि देखो गुदे वाली बात नहीं थी यहाँ पर, ठीक है, गुदे वाली बात नहीं है, ठीक है, जिगर खूब है मेरे अंदर, लेकिन शरीर भी तो देखा जाता है ना भाई, लड़ने के लिए देखा जाता है ना। जिसके बाद में यहाँ पर मुनव्वर कहते हैं कि नहीं भाई, गुदा होना देखो उसको चार लोगों ने पकड़ लिया वो जब तेरे पे चढ़ रहा था, ठीक है, तू भी हिम्मत थी, अगर तेरे में हिम्मत थी तो जाके चढ़ता ना उस पे, ठीक है। वैसे तो कटारिया कहते हैं कि बहुत बड़ा है, सिस्टम के नीचे रहना पड़ेगा, फिर वो सिस्टम वाली चीज़ें तेरे पे मतलब लागू नहीं होती है। ऐसे तो तू बड़ी बड़ी बातें करता है कि शरीर पे मत जाओ, ठीक है, आके भिड़ लेना ये वो, जब नेजी के साथ तेरा झगड़ा हुआ था तब तू जाके उसके ऊपर चढ़ गया था नेजी के ऊपर, ठीक है, वहाँ तेरे बराबरी का मुकाबला लग रहा था, लेकिन जब तेरा इससे झगड़ा हुआ सही केतन राव के साथ में, और तेरी तो गलती भी नहीं थी, फिर भी वो तेरे पे चढ़ रहा था, फिर भी तू जाके उसको कुछ नहीं बोला। ये सुनकर कहीं ना कहीं लवकेश कटारिया एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो गया। हालांकि लवकेश ने कहा कि देखो भाई गुदे वाली चीज़ें नहीं होती है, ठीक है, हिम्मत बहुत है मेरे में, लेकिन यहाँ कुछ नियमों में रहना पड़ता है, दायरों में रहना पड़ता है, ये बिग बॉस का घर है, हाथ नहीं उठा सकते वगैरह वगैरह। इस पर मुनव्वर बताते हैं कि देखो दायरे में वो वाली सारी बातें बाद में आती है, ठीक है, पहले अगर इस घर में कोई आप पे चढ़ रहा है तो आप ऐसा नहीं है कि चुपचाप दुबक के बैठ जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, आपको पीछे नहीं हटना होता है भाई, ईंट का जवाब पत्थर से देना होता है, फिर चाहे आगे जो होगा वो देखा जाएगा। ये सुनकर कहीं ना कहीं एक बार के लिए तो लवकेश कटारिया चुप हो गए। हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुनव्वर की बातें यहाँ पर सही भी साबित होती है। जब झगड़ा हुआ था तो हम सभी ने देखा था कि लवकेश कटारिया वाकई जो है सही केतन राव के सामने थोड़ा दब गए थे, पीछे हट गए थे झगड़े से। फिलहाल आपका क्या है मानना इस पर, आप क्या मानते हैं, कौन सही कौन गलत है, आप अपनी राय हमें कॉमेंट के जरिए बताएँ। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए ताकि हर खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले।